हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग स्किल्स। और आज के इस वीडियो में आपका हर एक डाउट क्लियर होने वाला है बीपीयूटी से रिलेटेड, कि आपको एग्जाम के बाद कौन कौन सा स्टेप लेना है, और एग्जाम के बीच में अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम के वजह से अगर आपका पेपर सबमिट नहीं कर पा रहे, कट जा रहा है, मतलब एग्जाम दे रहे बट एग्जाम अच्छा नहीं गया, आप चाहते हैं कि और एक बार एग्जाम देना चाहे बट वो एग्जाम आप और एक बार ऑनलाइन नहीं दे पाएंगे, बट वो आप ऑफलाइन मोड में आप वो एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे। ओके, वो ऑफलाइन मोड के लिए क्या क्या स्टेप्स चाहिए और हम ऑफलाइन मोड दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, कौन कौन लोग एलिजिबल है ऑफलाइन मोड, ये सब बातें इस वीडियो से आपको पता चलेगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आप बीपीयूटी के बारे में अपडेटेड रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी सब इवन सेमिस्टर का एग्जाम हमारा कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि सेकेंड सेमिस्टर, फोर्थ सेमिस्टर एंड एट सेमिस्टर, सिक्स सेमिस्टर, ये सब एग्जाम अभी कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ लोगों का क्या हुआ कि एग्जाम वो दिए बट टाइम उनको नहीं हुआ, या कुछ प्रॉब्लम के वजह से उन्होंने एग्जाम नहीं दे पाया, तो अभी वो क्या करेंगे, क्या स्टेप्स लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है, अगर आप एग्जाम में अगर कंफ्यूज है, आपने सबमिट नहीं किया, सबमिट हुआ है या नहीं पेपर, तो वो आपका ऑटो सबमिट एक होता है वो वेबसाइट में, वो अपने आप ऑटो सबमिटेड हो जाता है। ओके, और सेकेंड चीज है कि अगर आपका मतलब एग्जाम खराब गया है, या आपको टाइम नहीं हुआ, या नेटवर्क इश्यू की वजह से आपने अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाए, बट आपको सब आता था लेकिन आप एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाए, तो उस स्टेप में क्या करेंगे, उस स्टेप में आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देखिए bputevaluation.com। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, 22 तारीख, ओके 22 तारीख में ये वाला जो फॉर्म है यहाँ पे अपना यूजर नेम जो है वो देना है। ओके, पासवर्ड जो है वो देना है, यहाँ पे स्टूडेंट यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद यूजर नेम में आप अपना रोल नंबर जो है वो दे देना, पासवर्ड में जो आपका मतलब लास्ट पासवर्ड था वो दे देना, और अगर जिन जिन जिनका डेली चेंज होता है तो उनको लास्ट पासवर्ड दे देना यहाँ पे, और यूजर नेम आपका जो रोल नंबर था वो देना। फिर उसके बाद लॉगिन कर लेना, लॉगिन करने के बाद एक बार आप क्या करना, उसके बाद एक फॉर्म खुलेगा जो कि 22 तारीख को खुलेगा। ओके, तो 22 तारीख में आप अप्लाई कर पाएंगे खुद से, या तो सेकेंड स्टेप पे, ये है सेकेंड स्टेप। अगर थर्ड स्टेप, अगर आपको बहुत ही जल्दी है एग्जाम देने के लिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने जो कॉलेज के फैकल्टी से उनको पहले जाके कांटेक्ट कीजिए कि सर मैम मेरा इस वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया। ओके, तो उनको बोलने के बाद वो बोलेंगे कि ये, वो तो पहले ही बोलेंगे कि आपको यहाँ पे अप्लाई करने। ओके, और अगर कोई कोई कॉलेज होते हैं जो कि उन्हीं के कॉलेज में वो अप्लाई करा देते हैं, जो कि स्टूडेंट को ये सब मतलब झंझट में आना नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे आने से आपको तीन स्टेप करना है, जैसे कि इसके बाद साइन अप एक बार आप जैसे ही कर लोगे, लॉगिन करने के बाद एक पेज दिखाएगा आपको, उसमें पूछेगा आप किस रीजन के लिए करना चाहिए, जैसे कि आप अभी ऑनलाइन में शॉपिंग करते हो, जब कैंसिल करते हो आपको बहुत सारे रीजन पूछता है, उसी तरह यहाँ पे बीपीयूटी का ये जो है, अगर आप सेकेंड टाइम एग्जाम देना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में, वो भी आपको बहुत सारा मतलब क्वेश्चंस पूछेगा कि किस लिए देना चाहते हो, क्यों कटा, मतलब वैसे सब क्वेश्चन आपको पूछेगा, बट आपको एक्सेप्ट कर लेगा, वैसे कुछ नहीं कि आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो आपको यहाँ पे करना, और अगर कॉलेज फैकल्टीज अगर आपका बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, हम आपका मतलब वो करा लेंगे, तो फिर उस स्टेप में आप कर सकते हो। ओके, तो ये रहा हमारा सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में जो है, जो कॉलेज फैकल्टी के बारे में तो मैंने बोला, फोर्थ स्टेप या फोर्थ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स लोग का ये है कि हम क्या बैक पेपर को और एक बार एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऑफलाइन मोड में। यस, आप बैक पेपर को भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कुछ टेंशन नहीं। अगर बैक पेपर में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम, नेटवर्क इश्यू हो गया, आपने एग्जाम नहीं दे पाया, बट आप दे सकते थे, आपका एमए था आप उतना दे सकते थे, बट आपने नहीं दे पाया क्योंकि आपका नेटवर्क इश्यू हो गया, तो फिर भी आप दे सकते हैं, कुछ टेंशन नहीं। यही स्टेप को फॉलो करके आपको देना है। और लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान देके सुनिए ये बात को। तो इसमें क्या आपको पता चलेगा कि देखिए, अगर आप रीजन कुछ ऐसा वैसा देते हैं, मतलब इस साइट में जब ओपन हो जाएगा, आप रीजन कुछ ऐसा वैसा दे देते हैं जो रीजन उनको ठीक नहीं लगता है, तो फिर आपको चांसेस मिलने का कम है। बट रीजन आप क्या देंगे वो भी बता देता हूँ। आपको रीजन देना है कि मेरे पास जो ऑप्शन था, मतलब चार ऑप्शन था, बट हमको चार, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का वैसा हुआ है, ऑप्शन चार होना चाहिए बट उनको ऑप्शन आया 10 ऑप्शन। ओके, तो जैसे कि 10 ऑप्शन आए, आप वैसे कंप्लेन मार सकते हैं कि मेरे
मेरे को 10 ऑप्शन आया था, 5 ऑप्शन से ज्यादा आया था, ओके 4 ऑप्शन से ज्यादा आया था, देन वो समझेंगे कि हाँ दिस इज सर्वर इश्यू, ओके तो वो सोचेंगे हाँ ये सर्वर इश्यू था, स्टूडेंट को और एक चांस मिलना चाहिए। सेकेंड रीजन आप बोल सकते हैं कि मेरा मतलब एक में तो मतलब मेरे घर में नेटवर्क नहीं था, अच्छे से नेटवर्क नहीं आ रहा था, ओके तो जो नेटवर्क नहीं आ रहा था फिर भी आपका जो वो जो सर्वर है वो क्या कर रहा था, ऐप हो रहा था, बहुत बार क्रैश हो रहा था, ओके ऐप बहुत स्टूडेंट के फोन में ऐप क्रैश हो रहा था, मतलब ऑन होता है आउट पिंड आउट हो जाता है अपने आप, ओके अपने आप पिंड आउट हो जाता है। तो आप वो बोल सकते हैं कि आपका जो ऐप है वो जा बहुत कुछ उसमें बग्स है जिसके वजह से कि वो अपने आप पिंड आउट हो रहा है, मुझे बार बार लॉगिन करना पड़ रहा था, मेरा नेटवर्क अच्छा था, सब था अच्छा ठीक ठाक था, फिर भी मुझे और एक बार पिंड आउट अपने आप हो रहा है, 5-6 बार अपने आप पिंड आउट हो रहा था, तो इसीलिए मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया जिस वजह से मैं अपना एग्जाम को अच्छे से नहीं दे पाया हूँ, इस रीजन के लिए मुझे और एक चांस चाहिए एग्जाम देने के लिए, ओके। तो ये दो ट्रिक, ये दो वाला जो मैं बोला हूँ आप ट्राई कीजिए, ट्राई नहीं 100% ये काम करेगा, ओके ट्राई नहीं ये काम करेगा, ओके ये मैं लिख के दे सकता हूँ ये काम करेगा, बट इसको आपको क्वेरी में थोड़ा अच्छे से और थोड़ा सजा के लिखना है, ओके मैं जैसा बोला हूँ पूरा मतलब जैसे कि बता नहीं जैसे कि आपके साथ सच्ची में वैसा कुछ हुआ है, ओके रीजन में वैसा कुछ लिखना है, ओके। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा उनके लिए जो कि एग्जाम में कुछ सफर कर गए हैं, और अगर आपको इसी तरह का सब वीडियोस चाहिए न्यूज़ रिलेटेड आईटी रिलेटेड देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।